शक नहीं है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश और गुजरात इलेक्शन के लिए लक्ष्य बनाते हुए देखा जा रहा है, लेकिन ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए कि लक्ष्य बीजेपी की जरूर 5 राज्यों में चुनाव के बाद, 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद हिमाचल प्रदेश और देखा जाए तो अगर गुजरात इलेक्शन को लेकर बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो ये भी समझने की जरूरत है कि बीजेपी की ओर से कितने फैसले बेहतर लिए जा रहे हैं। इन सब के बीच हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में, जी हाँ, आने वाले अगले साल में देखा जाए तो एमपी में भी इलेक्शन है विधानसभा का, और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ा चेहरा चारक के तौर पर देखा जाए तो एमपी में माना जाता है, क्योंकि केंद्र में रहकर वो बीजेपी का वर्चस्व देखा जाए तो एमपी में बढ़ा रहे हैं जब से उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। तो आपको बता दे, यहाँ पर इस वक्त चर्चा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को लेकर। बड़ी खुशखबरी आई हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को लेकर। जी हाँ, युवराज, जी हाँ, अब महाराज के बाद युवराज राजनीति में एंट्री करेंगे, ये बताया जा रहा है कि खुद ही बेटे ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है। सिंधिया परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की तरफ से स्टेटमेंट आया है, आगे देखते हैं क्या होगा। जी हाँ, जूनियर सिंधिया सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। ग्वालियर में मीडिया के सामने बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने संकेत दे दिया है, खुलकर बात की। जीडीसीए के वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद उन्होंने कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पहुंचकर खुलकर क्रिकेट को लेकर योजनाओं पर चर्चा की, और इसके बाद उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। सीआईसी पिच पर बैटिंग करने को लेकर उन्होंने कहा है, राजनीति उनके लिए कोई चीज नहीं है, ना ही वह अभी मायने रखती है। महाआर्यमन ने कहा, अभी तो उनका पूरा फोकस खेल पर है। हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इस पर काम करने की जरूरत है ताकि युवा खेल में आगे बढ़ सके। 2023 विधानसभा चुनाव या 2024 आम चुनाव में पार्टी देखा जाए तो उनको बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो क्या वो उसे स्वीकार करेंगे, ये पूछा गया उनसे। तो फिर इस पर उन्होंने कहा, इस पर कुछ नहीं कहूंगा, आगे देखते हैं, पापा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए काम करते रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। यानी कि जरूर 2024 लोकसभा चुनाव या फिर अगले साल उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है एमपी में, क्योंकि इस वक्त विपक्षी दलों ने उन्हें टारगेट भी किया कि वंशवाद फैलाया जा रहा है, इसके बावजूद उन्हें बड़ा पद दिया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।